नमस्ते दोस्तों, सरल बात की इस नई श्रृंखला ग्रह नक्षत्र और हम इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह ये हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव देता है, हमारी पर्सनालिटी पे कैसा प्रभाव देता है, इसका स्ट्रांग होना और वीक होने से हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर ये वीक है तो इसका क्या उपाय हो सकता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं हमारे ज्ञानी पंडित जी से। पंडित जी आपका स्वागत है। हमारे पंडित जी गिरिराज शास्त्री जी आपका स्वागत है। पंडित जी, बुध ग्रह जो है ये इसका क्या प्रभाव होता है और इसके स्ट्रॉन्ग होने से क्या फायदे हैं और वीक होने से क्या नुकसान है? नमस्कार मित्रों, जैसा कि नाम जैसा है बुध जी, तो नाम से ही काफी कुछ पता चल जाता है। बुध यानी बुद्धि जी, आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में बुद्धि का कितना योगदान है, कितना महत्व है, क्योंकि बिना बुद्धि के तो शास्त्रों में आया है विद्या हीनम सर्वहीनस्य। अगर आपकी बुद्धि ही नहीं है, आपको विद्या ही नहीं है, तो जीवन में कुछ भी नहीं है जी। तो बुध का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में आप समझ सकते हैं। तो हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में बुद्धि का देवता बुध है। नवग्रहों की हम पूजा करते हैं तो उसमें भी बुध का जो आकृति है वाण के अनुसार है, यानी वाणी। अच्छा, अगर बुध हमारा पावरफुल है तो हमारा कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, डिबेट जीतेंगे। यस यस यस, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होगा। हम जो भी बात कहेंगे वो सटीक होगी, सही होगी, सही तरीके से कही जाएगी। और बुध अगर हमारा कमजोर है तो हम कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। या हम जब किसी से कहते हैं तो वो हमारी बात मानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर हमारा बुध भी है, बुध का मतलब सीधा सीधा वाणी, यानी अगर कोई पर्सन मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो बहुत जरूरी कि वो देखे कि उसका बुध कितना स्ट्रांग है। यस यस, क्योंकि मार्केटिंग में तो उसको दूसरों को कन्विंस करना होता है अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, बुध अगर अच्छा है तो ऐसे लोग या तो नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, क्योंकि अभिनय करने में भी बुध बहुत आगे है। यस यस, मार्केटिंग है, अभिनय है, या जितने भी ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपका कन्विंसिंग पावर, हाँ कन्विंसिंग पावर बहुत इम्पोर्टेंस है जी। तो वहाँ बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन से ग्रह से दृष्ट है, उच्च है, नीच है, डिग्री कितनी है, उसके अनुसार ही उसका फल आपके बॉडी में होगा, आपके जीवन में होगा। ओके, तो अगर समझे बुध हमारी कुंडली में उच्च ग्रह में बैठा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीच ग्रह में बैठा है तो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी? बुध अगर नीच ग्रह में बैठा है या उसकी डिग्री कम है या गलत ग्रहों से दृष्ट है, ऐसा अगर कुछ भी है तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति का जो कन्विंसिंग पावर है बहुत वीक होगा। अच्छा, बहुत बोलेगा लेकिन उसमें कोई सार नहीं होगा, कोई सारांश नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, कहीं से भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, ये समझ लीजिए। और लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, यस यस, अनसुना करेंगे, अनसुना करेंगे, कोई उसको महत्व नहीं देगा। तो पंडित जी, अगर हमारे पास बुध वीक है, हमें जैसे आपने बताया कि कुंडली नहीं भी है तो भी आपके इस इन चीजों को देखकर हम जान सकते हैं कि हमारा बुध वीक है कि स्ट्रांग है, तो अगर वीक है तो उसके क्या उपाय हैं? जैसा कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपका कन्विंसिंग पावर बहुत कम है, आपको लग रहा है कि बुध हमारा वीक है, या बुध अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध अगर वीक है तो हमको बुध के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि उसका रत्न है, अच्छा पन्ना ग्रीन कलर का होता है, वो धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करना है तो जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि कोई अच्छे ज्योतिषी से जान करके और अच्छे तरीके से समझ करके ही रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो बुध का व्रत कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बुधवार के दिन। यस, बुधवार के दिन। अच्छा, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे सभी ग्रहों में बुध को नपुंसक ग्रह मानते हैं। अच्छा, तो जो किन्नर होते हैं, किन्नर को दान करने से बहुत फलदायी होता है। किन्नर को हमने कुछ भी गिफ्ट किया, दान किया, या विशेष करके बुधवार के दिन अगर हम किन्नर लोगों को दान करते हैं जी, तो हमारा बुध बहुत फलदायी हो जाता है, बहुत हमको शुभ फल देता है। अच्छा, तो पंडित जी ये बहुत ही आसान से उपाय आपने बताए हैं, और किसी के लिए भी एक उपाय करना बहुत मुश्किल चीज नहीं होती, जैसे ग्रीन कलर का कोई ध्यान देना, दाल ग्रीन कलर का दान कर सकते हैं। और सबसे एक चीज और महत्वपूर्ण बताते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, तो दो ग्रहों का उससे कनेक्शन है। शनि ग्रह का काम है कैल्शियम को पीना यानी खत्म करना, और बुध कैल्शियम को क्रिएट करता है। अच्छा, तो अगर आपका कैल्शियम लेवल कम है तो बुधवार के दिन कुछ दान कर सकते हैं, या
मूंग होता है ना, हरा मूंग, उसको अंकुरित करके खाने से भी आपका कैल्शियम क्रिएट हो सकता है, बॉडी में कैल्शियम बन सकता है, क्योंकि बुध का काम है कैल्शियम बनाना और शनि का काम है कैल्शियम को खत्म करना। तो आगे एपिसोड में हम बताएंगे कि शनि कैसे कैल्शियम खत्म करता है, कैसे उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कैल्शियम लेवल कम है बॉडी में तो हम हरा मूंग खा करके खास करके या बुध ग्रह का कोई भी उपाय करके हम उससे बच सकते हैं। और आजकल जनरल सुनने में आता है लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम बहुत हो गया। स्टोन का प्रॉब्लम भी बुध के वजह से ही होता है, पथरी। अच्छा। पथरी नाम की जो बीमारी है वो भी अगर हम बुध ग्रह को ठीक करते हैं तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बुध के वजह से ही स्टोन की दिक्कत होती है, पथरी का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों आज हमने जाना कि बुध ग्रह जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, और अगर आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो आपकी बीमारियां भी कम होंगी, बुद्धि के तेज होंगे। तो अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो उसके लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया। अब अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे हमारे अगले ग्रह गुरु के बारे में। अभी तक जो भी हमने जानकारी दी, हमें विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, नमस्ते।